जब यूपी में इनकाउंटर किसी यादव जी का हुआ था तो अजय राय जी उनके घर पे गए थे, और जब अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा जी का हुआ तो वहां पे क्यों नहीं गए? उनके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें की, पर ये भी ध्यान रखना है कि वहां सांप्रदायिक दंगा का माहौल था। यदि उस समय हम जाते तो ये लोग छाती पीट पीट के कहते कि देखो भाई ये तो दंगे की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति जब भी कुछ होता है, मर्डर या कुछ होता है, दंगा होता है, तो आप लोग जाति विशेष पे ज्यादा जाते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से, सर झारखंड में भी चुनाव होने वाला, इंडिया अलायंस को लोग किस मुद्दे पर आपको वोट दिया जाए? आपने पलायन करवाया, लोगों को विस्थापित बनवाया कि आप पेपर लीक, इस पर हम आपको वोट दे। आज प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आज कांग्रेस पार्टी को 52 साल लग गए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और जहां इन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज आपका लड़की छोड़िए लड़का भी नहीं लड़ पा रहा यूपी में। क्या बढ़िया था गुरु। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। दरअसल डिबेट होने वाली है ऑडियंस और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में। हाल ही में जो इलेक्शन चल रहे हैं उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की बढ़िया वाली बेइज्जती कर दी है, एक भी सीट ना दे करके, वो तो हम सबको पता ही है। बाकी आज की डिबेट के अंदर ऑडियंस ने कांग्रेस प्रवक्ता से जो सवाल दागे हैं दोस्तों, देखकर बड़ा ही मजा आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। चल 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 चल। साल 2022 में विधानसभा चुनाव जब यूपी के थे तो प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो आज कांग्रेस पार्टी को 52 साल लग गए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और जहां इन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज आपका लड़की छोड़िए लड़का भी नहीं लड़ पा रहा यूपी में। देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं एक नारा सिर्फ नहीं है, ये एक भावना है सशक्तिकरण का, महिलाओं के उत्थान का, महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन का। और आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं को आरक्षण की बात पंचायती राज में दी, आज उसका नतीजा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं राजनीति में आकर के अपना कहीं ना कहीं कैरियर तलाश रही हैं। अदरवाइज इस देश में ऐसा क्रांतिकारी कोई काम किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। दूसरी बात, प्रियंका जी पर आपने बात रखी है, प्रियंका जी निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रक्रिया में पहले रही, चुनाव का मौका जिस तरह से अभी बैनार में मिला है उन्हें, आप देखिएगा वहां के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और वो आगे छोटे छोटे जवाब दीजिएगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, सड़क से संसद तक को लड़ेगा। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है बयान कि जो 9 सीटों का बलिदान आपने दिया है, तो उससे हम ये समझे कि कांग्रेस के पास इतने स्ट्रांग फेसेस नहीं बचे इलेक्शन के लिए, या फिर ये 27 इलेक्शन की रणनीति है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। 27 इलेक्शन का एक रणनीति है, हम मनुवाद बनाम अहंकार जो है इन लोगों का उसको खत्म करना चाहते हैं। बुनियादी मुद्दा बनाम ऐसे ही करेंगे, उनके पीछे लड़ेंगे पॉलिटिक्स को नहीं, टिकट नहीं मिलेगा भाई, इलेक्शन है, इनकी कौन सी सरकार जा रही थी, इनके पास तो बहुत सीट है, क्यों नहीं अपने पार्टनर को दे दिया 2-3 सीट? सर मेरा सवाल सबसे है, परिवार वाले आपके हिस्से में भी आ रहे हैं, आपके हिस्से भी सब लड़ रहे हैं परिवार वाले, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एक्चुअली हमारे लिए काम करना चाहते हैं वो कब लड़ेंगे, वो हमारे समाज के लिए काम कब करेंगे? जवाब दीजिए। मैं जवाब देता अभी। अंजना जी आप ही एक अच्छा शो चला रही हैं, जवाब नहीं मिलेगा, सुनो ये चालू हो गए, अब इनके वाली दवाई दे रहा था ना बीच में बोलने की तो दिक्कत थी, अब सुनिएगा शांति, देखना 30 सेकंड नहीं चुप रहेंगे। अभी आप एक बहुत अच्छा शो चलाती हैं सीएम साहब, आज तक पे आता है नायब सिंह सैनी कौन से परिवार से आते हैं, मोहन यादव जी कौन से परिवार से आते हैं, भजनलाल शर्मा कौन से परिवार से आते हैं? अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति अगर शीर्ष पर प्रधानमंत्री बन सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आए? मुलायम जी और अखिलेश जी का परिवार याद दिलाऊं मैं, राहुल जी का, सोनिया जी का परिवार याद दिलाऊं मैं? ये फर्क है, जब फर्क बिल्कुल साफ है कि नए लोगों को पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है अगर उसको किसी राजनीतिक दल ने मंच दिया है, उसको मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं है। सवाल पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस से कि जब यूपी में इनकाउंटर किसी यादव जी का हुआ था तो अजय राय जी उनके घर पे गए थे, और जब अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा जी का हुआ तो वहां पे क्यों नहीं गए? और मैं भद्रिया जी से पूछना चाह रहा हूं कि जब आपके परिवार को नहीं रोक पाते हैं तो हमें बीजेपी में आए हैं, जो गलती आपकी है ना कि बीजेपी की है, जो जबरदस्ती लोग लेके आया है। हमारे यादव जी के यहाँ गए थे क्योंकि ये फेक इनकाउंटर किया गया था, ठोको पॉलिटिक्स में बार बार कर रहा हूँ, कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा की तो हत्या हुई है, उनके उनके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें की, पर ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ सांप्रदायिक दंगा का माहौल था। यदि उस समय हम जाते तो ये लोग छाती पीट पीट के कहते कि देखो भाई ये तो दंगे की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते दंगे की, उन्माद की,
हम समाज को प्रगति और शांति के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस का यही मूल चरित्र है। सिर्फ एक लाइन सर, इसी उदाहरण पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, एक लाइन। मेरा ये कहना है कि जब भी कुछ होता है, मर्डर या कुछ होता है, दंगा होता है, तो आप लोग जाति विशेष पे ज्यादा जाते हैं। हमारे लिए उसका जवाब नहीं मिला, कहते हैं परिवार वालों को आप नहीं रोक पा रहे हैं, परिवार वाले आपके छिटक छिटक के जा रहे हैं। जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ चलती है, वो देखती कहां फायदा है। अरे आप खुद कहते थे परिवारवादी पार्टी, आप बुला बुला के टिकट दे रहे हो, कह रहे हो 2019 से बात हो गई। सर मेरा सवाल आप ही से है, सोनिया जी आप ही से सवाल है। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होता, वहाँ जनता सुनती है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी अभी आपने राष्ट्रवाद की बात करी, आपने बोला राष्ट्र चलना चाहिए। सबसे पहले जाति पीडीपी यादव ये तो आप ही की पार्टी लेकर आई थी। पीडीए सुनिए, पीडीए मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पिछड़े अगड़े। तो आप क्या चाहते हो कि ये राष्ट्र के हिस्सा नहीं है, आदि आबादी राष्ट्र के हिस्सा नहीं है कि महिलाओं को आगे लेके आ जाए, या दलित जो समाज में पीछे छूट गया उसको हम अगर मुख्य धारा में करें तो ये राष्ट्र की बात नहीं है, या पिछड़े जो समाज में पीछे छूट गए उनको आगे लेके आए? तो दलित पिछड़ों को, अगर अल्पसंख्यकों को, सभी को हम समाज के जो कमजोर वर्ग उनको आगे लाके मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ी राष्ट्र की बात है कि हम राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, समाज के न्याय की बात कर रहे हैं, रूल करना चाहते हैं हमारे अंदर। एक सेकंड, अगर अगड़े हैं, आपने ए में कहा अगड़े भी हैं, अल्पसंख्यक हाँ। भी हैं, अगड़े अगर कोई है कैंडिडेट तो बता दीजिएगा, मिल जाएगा। कौन अभी तो 9 सीट पे चुनाव हो रहा है। अच्छा, इतने में ही सब बीजेपी परेशान हो गई, इतने में ही जाति खोजने लग गई। वहां पर तो आप ए से अल्पसंख्यक कर देते हैं, मैं अगड़ा खड़ा हूं, 4 में से 9 मुस्लिम कैंडिडेट के सामने। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है सर, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, इंडिया लाइंस को लोग किस मुद्दे पर आपको वोट दिया जाए? आपने पलायन करवाया, लोगों को विस्थापित बनवाया कि आप पेपर लीक, इस पर हम आपको वोट दें, आज आप इस पर अपना जवाब दीजिए। दो बातें, मेरा सवाल बीजेपी से है, आप बोलते प्रियंका गांधी को 52 साल लग गया, आप भी परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं, ये तो परिवारवाद को कम करने का प्रयास था, लेकिन आप लोगों ने इतना दबाव बनाया कि फिर उसे परिवारवाद के नाम पे एक और कैंडिडेट को उतारना पड़ा। बीजेपी के दबाव में प्रियंका को उतारना पड़ा। बीजेपी ये परिवारवाद का नारा हमेशा लगाते हैं, तो उनका तो अच्छा प्रयास था कि हम अपने परिवार को आगे ना लाएं। तो अपने मतलब जहां साधेंगे वही बोलेंगे। मेरे आप दोनों से सवाल है, मेरा पहला सवाल है कि जो कांग्रेस है वो 9 में से किसी भी सीट पे नहीं उतरी, तो आपको लगता नहीं इतनी बड़ी पार्टी होने के उस पे उनका फर्ज बनता है कि वो अपना कोई ना कोई वो उतारे, कोई ना कोई कैंडिडेट उतारे? सेकंड चीज ये है, आप बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा, अगर बटे हैं ही नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करवा रहे थे, क्यों हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है सर, जैसे कि आपने कहा कि आपकी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे तुलना करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। बीजेपी से प्रश्न ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1 करोड़ नए युवाओं को हम राजनीति में लेके आएंगे, तो क्या राजनीति में उन लोगों का स्तर खत्म हो चुका है जो अभी राजनीति में है और नए युवा जोड़ने की उनको आवश्यकता है? और कांग्रेस से ये मेरा सवाल है कि परिवारवाद की आप बातें करते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस बात करते हैं परिवारवाद की, तो परिवारवाद का शब्द जो है वो खराब क्यों है? परिवारवाद में परिवार के जो लोग आ रहे हैं वो काम तो करें, अगर काम ही नहीं करेंगे तो ये शब्द तो खराब होगा ही, उन लोगों को काम तो करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए सवाल छोड़ो। वहां से झारखंड के मुद्दे पर किसी साथी ने बोला भाई पलायन का मुद्दा जो है वाकई बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है, केंद्र सरकार को जो स्थानीय स्तर पर जो वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करनी थी और उसमें जो पैसे खर्च करने थे कोई काम नहीं हुआ 17 साल से बिहार में भी के लिए पूछा, आपने बिहार पलट दिया। नहीं, ठीक बात है, केंद्र सरकार ने वहाँ नहीं किया पलायन, मजबूरी हम लोग खुद पलायन करके दिल्ली आए, बिहार में 17 साल से इन लोगों की सरकार है कुछ। और जो उस बच्ची का सवाल था कि अगर भारत नहीं बटा था तो फिर जोड़ो करने की क्या जरूरत थी? निश्चित तौर पर नफरत हिंसा का माहौल जिस तरह भाजपा ने बनाया देश में, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके सहानुभूति, प्रेम और प्रगति का मार्ग अपनाना भारत के लिए और देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं और निरंतर करेंगे, ये चुनाव टिकट और सियासत से नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों ये नेता इधर उधर की कितनी ही बातें कर ले, लेकिन जनता तो लास्ट में बड़ी होती है, जनता तो जनार्दन होती है, जब जनता अपनी पर आती है सवाल पूछने में तो अच्छे अच्छे की रेल बना देती है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।